जब
तरीके से करेगी तो इससे उसको उसका समय भी बचेगा, श्रम भी बचेगा और परिवार के साथ साथ वह स्वयं की देखभाल भी कर पाएगी। जैसे मान लीजिए घर के कार्यों को ही ले लीजिए, घर में बहुत सारे काम होते हैं तो दो चार काम कार्यों की सूची बना लेनी चाहिए। आज दिन भर में कितने कार्य, लगभग सारे कार्यों का पता होता है, जैसे बर्तन धुलना हुआ, खाना बनाना हुआ या कपड़े धुलना हुआ, झाड़ू पोछा करना हुआ, ये घर के दैनिक कार्य हैं और जिन्हें रोज गृहिणी को करना होता है। लेकिन कुछ और भी कार्य होते हैं इनके सिवाय, तो जो गृहिणी है उसको चाहिए कि अपने कार्यों की एक योजना बना ले और योजना बना करके जैसे कार्य हो वैसे वह अपने परिवार के सदस्यों में उनकी रुचि के अनुसार बांट दे। इससे उसके कार्य भी जल्दी हो जाएंगे और उस पर उतना थकान भी महसूस नहीं होगा। जैसे मान लीजिए परिवार में छोटे बच्चे हैं, अब गृहिणी का दायित्व है कि वो उनकी जिम्मेदारी ले, उनकी देखभाल करे, लेकिन अगर वह योजना बना करके करती है तो ऐसे में वो परिवार के जो बड़े लोग हैं, जैसे बूढ़े बूढ़े व्यक्ति हैं जो और कार्य नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम उनको ये जिम्मेदारी दे दी जाए कि आप बच्चों को देखते रहिए, तो इसके लिए वो कभी भी ना नहीं करेंगे। गृहिणी का काम भी हो जाएगा, बच्चों की देखभाल भी हो जाएगी और सही समय पर उसका काम सही ढंग से हो भी जाएगा। दूसरा है आपका नियंत्रण। नियंत्रण का मतलब होता है कि उस पर अपनी पकड़ जमाए रखना। कोई भी योजना आपने बना ली, योजना आपने बना लिया और योजना बनाने के बाद आपने छोड़ दिया, ऐ कर रहा है तो करे, नहीं कर रहा है तो ना करे, मुझे क्या। तो ऐसे में आपकी योजना सफल नहीं होगी। इसके लिए आपको उस पर नियंत्रण रखना बहुत ही जरूरी होता है। आप देखिए कि जो आपने योजना बनाई है उसके अनुसार आपका कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर उसके अनुसार कार्य नहीं हो रहा है तो आपने जो योजना बनाई है उसको सफल नहीं माना जाएगा। तीसरी बात मूल्यांकन। आपने योजना बना ली परिवार के पूरे कार्यों की या जो भी है आपका घर की जो व्यवस्था है उसकी आपने योजना बना ली, उसको आपने क्या कर दिया, क्रियान्वयन कर दिया, उसको आपने लागू कर दिया, उस पर आपका पूर्ण नियंत्रण भी है, आप उसको देख भी रही हैं कि आपका कार्य सही ढंग से हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी आपको उसको मूल्यांकन की जरूरत होती है। आप उसका मूल्यांकन करिए, आप देखिए कि जो योजना आपने बनाई है वह आपके परिवार के कितने हित में है। आपने जो योजना बनाई आपके परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति हुई, उनके रुचि के अनुसार हुआ या नहीं हुआ, और इन सब के बाद भी अगर आपको कोई उसमें कमी नजर आती है तो आप अपनी योजना को बदल दीजिए। आप उसमें क्या करिए, संशोधन कर दीजिए कि जो योजना आपने बनाया था वह सही ढंग से नहीं हो पाया, तो आप उसमें थोड़ा फेरबदल कर दीजिए। इससे आपके परिवार की सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी। अब गृह विज्ञान की प्रकृति। प्रकृति का मतलब क्या होता है? प्रकृति का मतलब होता है स्वभाव। गृह विज्ञान कैसा है? कुछ लोगों का मानना है कि गृह विज्ञान क्या है, एक विज्ञान है, और कुछ लोगों का मानना है कि वह क्या है, केवल कला है, जिसमें घर को सजाने संवारने, घर से संबंधित सारी चीजों को कलात्मक ढंग से व्यवस्थित करने इत्यादि के बारे में सिखाया जाता है। तो विज्ञान कैसे है? विज्ञान विज्ञान का मतलब होता है कि वह क्रमबद्ध ज्ञान
जो हमें कार्य तथा कारण दोनों में समन्वय स्थापित करना सिखाता है। दोनों में समन्वय, एक कार्य बताता है कि ये ऐसे हो रहा है, उसका कारण भी बताता है कि क्यों हो रहा है। तो गृह विज्ञान के अंतर्गत आहार एवं पोषण विज्ञान, शरीर रचना एवं शरीर क्रिया विज्ञान, बैक्टीरिया विज्ञान, प्राथमिक चिकित्सा एवं गृह परिचर्या इत्यादि जो है वो काफी हद तक विज्ञान से संबंधित होती है। अब कला के रूप में, कला की मुख्य विशेषता क्या होती है? सृजनात्मकता, किसी भी चीज को नए ढंग से बनाने की कला, जिसका संबंध मुख्यतः रचना तथा निर्माण से होता है। अब घर में बहुत सारी चीजें जो होती हैं और कुछ बेकार चीजें होती हैं, जिसको जोड़ जाड़ करके जो सफल गृहिणी होती है वो एक कलात्मक ढंग से बहुत अच्छा चीज बना देती है। जैसे मान लीजिए सिलाई कर रही है, कोई भी गृहिणी है सिलाई कर रही है, सिलाई से जो बचे कुचे कपड़े होते हैं वो बहुत ही कलात्मक ढंग से छोटे बच्चों का फ्रॉक सिल लेती है, बैग सिल लेती है, या कोई कलात्मक चीज बना देती है।